किया गया कि गुंडागर्दी है। उसके पहले का ट्वीट, ट्वीट में एक लिमिटेड अमाउंट में लिखा जा सकता है, आप सभी को पता ही है, पूरा निबंध नहीं लिख सकते, यू कांट राइट एन एंटायर एसे ऑन अ ट्वीट। तो उसमें मैंने पार्ट बाय पार्ट लिखा था। जिस पोर्शन में मैंने लिखा था कि गुंडागर्दी है बस, उसके पहले का ट्वीट आपने जिक्र नहीं किया। मैंने लिखा था कि आई एम इक्वली अगेंस्ट द टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास हु एनफोर्स हु आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वेक अप पीपल फ्रॉम द स्लीप्स हु डू नॉट फॉलो द रिलीजन। मैं नहीं, मतलब अगर मैं, आई कैन नेवर डू दिस टू मुस्लिम कि वो घर के सामने आके मैं बोलूँ हरे राम राम, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनको इससे कोई संबंध नहीं है। दे विल नॉट इन्जॉय वॉट मीन्स प्रेयर टू मी डज नॉट मीन प्रेयर टू देम। तो मेरा सिंपल सा ये कहना था कि हम इतनी थोड़ा सा आपस में एक कंसिडरेट नहीं हो सकते कि पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहाँ ऐसा नहीं होता। आप अमेरिका बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। तो एज़ बार बार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बात पे जोर दिया जाता है कि एवरीबडी हैज़ द राइट टू देयर ओपिनियन, सो सिंपली आई ऑल्सो हैव द राइट टू माई ओपिनियन, इट शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड। तो मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिशन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है। तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही बात। ये एक, मेरे हिसाब से, जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जा रही थी कि मैं, देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा रिलीजन पर चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए लाड प्यार नहीं है। मेरे लिए ये गुंडागर्दी है कि कोई अपने धर्म को जोर जोर से, और मैं इक्वली प्रोसेशन, मैंने पहले भी ट्वीट में लिखा हुआ है, ये जो रास्ते में जब फेस्टिविटीज़ होती हैं, मैं कोई नाम नहीं लूँगा, उसमें जो लोग दादागिरी से करके नाचते हैं, ए हटो ये करो वो करो, इन लोगों की तकलीफ हो जाती है, पुलिस की तकलीफ हो जाती है। और क्या कर रहे हैं वो, बेसिकली धर्म के नाम पर शराब पी के नाच रहे होते हैं, फिल्मी गाने बजा रहे होते हैं। तो मतलब ये दादागिरी नहीं है। अगर मैं ये इशू कह रहा हूँ तो आप बुद्धिजीवियों को मेरी बात समझ के इस बात को सही तरीके से पेश करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे भी तो उसी देश में बढ़ने वाले हैं कि नहीं बढ़ने वाले। यू वॉन्ट टू कीप द सेम कंट्री एज वी लिव इन राइट नाउ। आपके बच्चों को भी तो आगे बढ़ाना है। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको इससे थोड़ा सा बेटर देश देने में तो आप मदद कर सकते हैं कि नहीं। और अगर मैं ये कह रहा हूँ मेरे ट्विटर के माध्यम से सुबह सुबह उठ के, तो आप इसको अलग तरीके से क्यों ले रहे हैं? मैं मुझ जैसा आदमी, मतलब इतना सेक्युलर में समझता हूँ अपने आप को, ना मैं राइट विंग हूँ ना मैं लेफ्ट विंग हूँ, मैं इधर बीच में स्टैंड करता हूँ। शायद मैं जानता हूँ कि मुझ जैसे लोगों की तादाद कम है, ज़्यादातर राइट विंग है, ज़्यादातर लेफ्ट विंग है, बीच के लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं माइनॉरिटी हूँ एक्चुअली। खैर, मेरा यही आप लोगों से कहने का मतलब था। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ऐसे भुला के नहीं की है। हम आपस में आप ही बातें करते हैं, हम भी बातें करते हैं, बट आई हैव नेवर हैड टू मेक अ स्पीच आउट ऑफ दिस, जो मैंने कभी